हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डिस्काउंट निकालना सीखे। डिस्काउंट जो है कैसे निकाला जाता है, बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में जो है बताने वाले हैं। यदि आप कोई सामान खरीदते हैं उसके बाद से उस पर जो 1% 2% छूट रहता है तो आप कैसे निकालेंगे, या 40% 50% जो है छूट रहता है तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं बनाने का जो है तरीका। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हल। ठीक है, कोई भी सवाल बनाने से पहले क्या होता है, शुरुआत यहाँ से किया जाता है हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 400 का किताब छूट जो है 40% है, यानी आप कोई किताब 400 का खरीदे हैं उस पर जो है छूट आपको कितना मिला है, 40%। ठीक है, तो कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले लिखिएगा 400। ठीक है, 400 का 40% ठीक है, 400 का 40% लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है 400 काम इस क्या होता है, काम इस गुणा होता है 40 का, जो है 40 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, और परसेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे, बटे में जो है 100 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए और हम इसे क्या करेंगे, कटा लेंगे, बहुत ही आसान तरीका से इसे कटा लेंगे, 1 जीरो से जो है 1 जीरो कटा लेंगे, और यहाँ पर जो है 1 जीरो बचा तो फिर इधर कटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे जो है बचा हमारा 40 × 4। ठीक है, तो अब हम बराबर देके फिर क्या करेंगे, अब इसे क्या करेंगे, 40 × 4 को जो है गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 160। ठीक है, इसका जो है आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, 160, यानी आपने जो है 400 का किताब खरीदा है उस पर आप जो है 160 रुपया माइनस करके जो है आप कोई जो किताब दे, किताब को जो है माइनस करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।